कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा बताया है। वहीं स्कूल बंद होने से ऑनलाइन क्लास भी बच्चों के लिए गंभीर बीमारी की वजह बनती नजर आ रही है। नेत्र विशेषज्ञों का कहना है कि मोबाइल और टीवी को ज्यादा देर तक देखने से मायोपिया नाम की घातक बीमारी होने की आशंका है। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लास से बच्चों में इस बीमारी के होने की आशंका बढ़ी है। हालांकि इस बीमारी का इलाज है, बच्चे और वयस्क इस बीमारी से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतते हैं तो मायोपिया होने की आशंका काफी हद तक कम हो जाती है। नेत्र चिकित्सक की माने तो मायोपिया के इस बीमारी से वयस्क ही नहीं बल्कि बच्चे भी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जैसे वयस्कों ने कोरोना के दौर में वर्क फ्रॉम होम किया, वैसे ही बच्चों ने भी स्टडी और प्ले फ्रॉम होम किया। मोबाइल और टीवी स्क्रीन में ज्यादा समय व्यतीत करने से बच्चों की आंखों में मायोपिया का ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान बच्चे घर से बाहर नहीं निकले जिसकी वजह से बच्चों को सूर्य की रोशनी नहीं मिली। आज के समय में मायोपिया के केस 4 गुना बढ़ चुके हैं। दूरदृष्टि केस भी बढ़ रहे हैं जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण बच्चे मोबाइल, आईपैड, टीवी स्क्रीन का ज्यादा उपयोग करना है। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने मायोपिया को लेकर बताया कि मायोपिया 4 तरह के इफेक्टिव एरर होते हैं जिसमें मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, प्रजमायोपिया और एस्टिगमेटिज्म होता है। हालांकि छोटे बच्चों में मायोपिया पाया जाता है, इसमें शॉर्ट साइटेड होता है जिसमें पास का दिखता है, दूर को देखने में परेशानी आती है, साथ ही आंखों पर परत चढ़ जाती है जिसके चलते आंखों का फोकस नहीं होता है और ब्लर हो जाता है जिसके कारण आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ जाता है। हालांकि डॉक्टर आशुतोष ने कहा कि सर्जरी के दौरान इसका इलाज भी किया जा सकता है। मायोपिया बीमारी से बच्चों की आंखों के चश्मे के नंबर कैसे दूर किया जा सकता है इसको लेकर आंखों के जानकार डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने बताया कि समय पर इलाज अगर नहीं किया गया तो आंखों की रोशनी जाने का खतरा भी बना रहता है। बच्चा 9 माह से 5 साल के बीच में विटामिन ए की 9 डोज देना जरूरी है। विटामिन ए के 9 डोज उसको हर 6 माह में देना जरूरी है। इससे बच्चों की आंख स्वस्थ रहती है। साथ ही परिजनों को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कितने समय से लगातार मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर के संपर्क में है। वहीं डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने मायोपिया से बचाव को लेकर समय समय पर आंखों की जांच और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी। ऐसे कोरोना के काल में जब ऑनलाइन और वर्क फ्रॉम होम की जो व्यवस्था की गई थी उस दौरान 4% जो बता रहे हैं कि देश में अपने इंदौर और इसको भी लगा के 4% की वृद्धि हुई है मायोपिया जो एक संक्रमण है आंखों के लिए, कैसा घातक है सर, किस तरह से ये फैल रहा है? देखने में यह आया है कि विगत 2 वर्षों से 2020 मार्च के बाद से जब से कोविड के प्रोटोकॉल्स हुए हैं, जब से सरकार ने प्रोटोकॉल्स में घर में रहना आवश्यक कर दिया था, तब काफ़ी चीज़ें सब बंद होने के कारण, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के कारण बच्चे भी घर में कैद थे। उस दौरान कोविड के प्रोटोकॉल्स के दौरान सभी ऑनलाइन की उनकी शिक्षा जितनी थी वो ऑनलाइन द्वारा की जाती थी, जिसके कारण उनको कंप्यूटर्स और आईपैड और मोबाइल्स पर ही अपनी शिक्षा को ग्रहण करना पड़ता था। तो देखने में यह आया कि लगातार ये सब चीज़ें करने से उनकी रीडिंग हैबिट सब चेंज हो गई, उनकी प्लेइंग हैबिट सब चेंज हो गई, जिसके कारण चश्मे के नंबर बच्चों में काफ़ी तादाद में अब देखने में आ रहे हैं। मायोपिया एक टाइप है रिफ्रैक्टिव एरर का, 4 टाइप के यूजुअली रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं। इसमें मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, प्रेसबायोपिया होता है और एस्टिगमेटिज्म होता है। यूजुअली बच्चों में मायोपिया पाया जाता है। मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब पास का दिखता है, दूर का दिखने में प्रॉब्लम आता है। इन सब चीज़ों में ये रहता है कि आँख के अंदर जो फोकस रहता है वो बच्चा फोकस नहीं कर पाता, जो आँख के पर्दे के अंदर जो फोकस होना रहता है वो ब्लर हो जाता है, जिसके कारण चश्मे का नंबर रहता है, जिसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके चश्मे के नंबर से दूर किया जा सकता है। सर, क्या इससे आँखों की रोशनी छिनने का खतरा है? कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर इन 4 टाइप के जो मैंने आपको बताया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिगमेटिज्म, यदि इनको अपन सही इलाज नहीं करेंगे, इसका इलाज यही है कि या तो चश्मे का नंबर लगाएं या कॉन्टैक्ट लेंस लगाएं या रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराएं। आजकल सर्जरीज भी होती हैं जिससे चश्मे के नंबर उतर जाते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी टाइप का एक ट्रीटमेंट करें, यदि ये नहीं करेंगे तो आँख एम्ब्लायोपिया में चली जाती है और जिसके कारण
डैमेज होके ब्लाइंड हो जाते हैं। सर ये वयस्कों को लिए भी इतना ही खतरा है? हाँ, चश्मे के नंबर तो चारों एज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बच्चों में यूजुअली जल्दी डिटेक्ट कर दें क्योंकि उनका पूरा भविष्य उससे जुड़ा रहता है, पूरी उनका पढ़ाई उससे जुड़ी रहती है, इसलिए उनका चेकअप बहुत ज़रूरी है और उनकी रीडिंग हैबिट्स होना बहुत ज़रूरी है। इसका मेरे जनता से ये रिक्वेस्ट है कि जब बच्चा शुरू में 9 महीने से 5 साल के बीच में उसको विटामिन ए की 9 डोजेज देना बहुत ज़रूरी है। वो विटामिन ए की 9 डोजेज उसको हर 6 महीने में 1 चम्मच पिला देंगे जो शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क मिलता है। वो विटामिन ए की डोजेज प्रॉपर 9 डोजेज मिलने से बच्चों की आंखों का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा रहता है, उससे उनकी आंखें स्वस्थ रहती है। दूसरा, उनकी रीडिंग हैबिट्स देखना चाहिए, पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। अधिकतर ये देखते हैं कि अपन अपने घर में देखते हैं कि बच्चे